खबर है जाकिर नायक को लेकर। ये खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ, जो कि देश के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये आ रही कि देश का एक और दुश्मन जाकिर नायक, जिसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था और भगोड़ा घोषित करने के बाद में वो भारत से भागकर दूसरे देश में, खासतौर पर मलेशिया में जाकर छिप कर बैठ गया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जाकिर नायक को भी एक तरह से घसीट कर भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, और खबर ये भी आ रही है कि इन तैयारियों के बीच भारत का गृह मंत्रालय, अजीत डोवाल और उसके अलावा जिनके ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो तमाम तंत्र जो है वो एक्टिव हो गया है और माना जा रहा है कि जाकिर नायक को जल्द ही भारत लाया जाएगा। और भारत लाए जाने की जो प्लानिंग है, जो खबर है, वो भी यहां पर जानना जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि ओमान में जाकिर नायक पहुंचने वाला है और वहीं से भारत उसे लाया जा सकता है। और इस चीज को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो ओमान के अधिकारियों के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, ये खबर भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बड़ी चीज ये है कि जाकिर नायक आखिर क्या करने जा रहा है ओमान, तो आपको बता दें कि वहां पर वो कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात रखने जा रहा है, जिसे उर्दू की भाषा में आमतौर पर तकरीर कहते हैं। तकरीर देने के लिए उसे आमंत्रित किया गया है और उसकी जो पहली तकरीर बताई जा रही है उसका मुद्दा है कुरान एक वैश्विक जरूरत, यानी कि कुरान को लेकर वो ओमान में अपनी बात रखने के लिए वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेगा। और जो उसकी दूसरी तकरीर होनी है ओमान में, उसका जो मुद्दा है पैगंबर मोहम्मद इंसानों के लिए एक रहमत, तो इन दो मुद्दों पर बोलने के लिए वो ओमान पहुंचेगा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उसे वहां से हिरासत में लेकर भारत आ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में, और ये अपडेट जो है इस लिहाज से भी खास हो जाती है क्योंकि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कुछ बड़ा करने में यकीन रखती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, किस तरीके से राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी तैयारी चल रही है, जिसका फैसला आने के बाद कोशिश है कि चुनाव से पहले वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। लेकिन इस बीच भारत विरोधी जो गतिविधियां करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसमें भी जो बीजेपी सरकार है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती है। जम्मू कश्मीर में हम देख चुके हैं, खालिस्तान के मुद्दे में भी, जो अमृतपाल सिंह है उस मुद्दे में भी हम देख चुके हैं किस तरीके से अमित शाह जो हैं वो एक्टिव हुए, जिसके बाद में अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए कई कंपनियां जो हैं वो पंजाब में उतर गईं। और जहां तक सवाल है जाकिर नायक का, इस खबर से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि आज ही अजीत डोवाल ने संसद में जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा कई और मंत्री जो हैं उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई ये साफ नहीं, लेकिन माना जरूर गया कि अजीत डोवाल की मुलाकात में देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल कंडीशंस जो बनी हुई हैं इन मुद्दों पर बात संभवतः हुई होगी। लेकिन जाकिर नायक को लेकर जो हम लगातार अपडेट दे रहे हैं उसमें एक और जानकारी यहां पर समझने वाली है कि ओमान में जो भारतीय दूतावास है वहां पर बताया ये जा रहा है कि स्थानीय कानूनों के तहत जाकिर नायक को हिरासत में लेने और उसके बाद उसको भारत लाने की जो तैयारियां हैं उसको लेकर एजेंसियों ने संपर्क किया है। ये अपडेट लगातार सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से ही जो खबर बताई जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इंडियन अथॉरिटीज को सपोर्ट करेंगी और हिरासत में लेने में मदद करेंगी, या खुद ही उसे वो हिरासत में ले और बाद में उसे भारत को सौंप दें। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगर हिरासत में उसे लिया जाता है तो फिर यहाँ से कानूनी टीम जो है उसे भेजने की भी संभावना है। ये भी अपडेट लगातार जाकिर नायक के मामले में निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि खबर ये भी थी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले को ओमान का जो राजदूत हैं उनके सामने उठाया गया था और ओमान में जो हमारे भारत के राजदूत हैं उन्होंने ओमान का जो विदेश मंत्री हैं उनके सामने भी ये मुद्दा उठाया था। ओमान के साथ में हर स्तर पर भारत जो है वो डील कर रहा है, हर स्तर पर उनके साथ में कनेक्टेड है कि जाकिर नायक अगर ओमान पहुंचता है तो वहां से उसे कैसे भारत लाया जाए। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर जाकिर नायक कौन है उनको बता दें कि जाकिर नायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है
और इन्हीं आरोपों के चलते जो है ईडी और जो भारत की जांच एजेंसी है एनआईए, उन्होंने उसे जो है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा हुआ है, मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। जिसके बाद जब उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था तो साल 2017 में वो मलेशिया भाग गया था और बाद में उसे मलेशिया की ही नागरिकता मिल गई थी। तो आप समझिए जाकिर नायक कौन है। और न सिर्फ भारत में ही बल्कि बांग्लादेश में भी एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जाकिर नायक के वीडियो देखकर, उसका लिटरेचर पढ़कर एक शख्स जो है वो इस कदर बहका कि उस आतंकी गतिविधि का हिस्सा बना। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अगर जाकिर नायक गुमान पहुंचेगा तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस फिराक में है, इस ताक में है कि कैसे उसको वहां से घसीट कर भारत वापस लाया जाए ताकि इंसाफ हो सके। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर बताइए। धन्यवाद।